जय मां नंदा, जय जगदम्बा। नमस्कार साथियों, नंदा देवी लोकजात यात्रा का 11वां दिवस और हम पहुंचे थे डूंगरी गांव में, जो कि श्याम सिंह भुटोला जी का घर है, जिन पर की काफी फेमस गाना भी लगा था, कख रह गए नीति और कख रह गए माणा। तो ये रहा वो घर जो बहुत ही पौराणिक पहचान है और डूंगरी गांव की शान है। इस एरिया में बहुत सारे लोग आ चुके हैं वीडियोस बनाने और मूवीज वगैरह शूट करने। कुछ ही देर बाद माँ नंदा को यहाँ से विदा किया जाएगा अगले पड़ाव के लिए, जो कि रहेगा रात्रि पड़ाव सीधे सोना गाँव। और जैसे जैसे हम पड़ाव दर पड़ाव आगे बढ़ते जा रहे हैं, तो वैसे वैसे माता के काफ़ी ज़्यादा श्रद्धालु और बड़े बड़े गांव में हम पहुंच रहे हैं और भीड़ छोड़ा चांचरी, बस दिल खुश हो गया। सर, हमारे दादा के बाबा लोगों ने बनाया, बहुत पुरानी मकान है, यानी कि मेरे हिसाब से इसको हो गए 100 साल के आसपास हो गए, इस हिसाब से बन गया, बहुत पुराना मकान है। कारीगरी काफी कारीगरी काफी सर, इसमें लकड़ी देख लो, बहुत बड़ी बड़ी लकड़ियां हैं, 1.5 करोड़ की तो खाली लकड़ियां होंगी इसमें, लेकिन अब वैल्यू ही नहीं रहेगी इसकी, लोग पलायन हो गए, फिर आपदा से पीड़ित हैं लोग यहाँ पे, इसलिए इसको मोटिवेट नहीं कर सकते हैं। अगर हम चाहें तो इसे होम स्टे बना सकते हैं, लेकिन आगे के लिए खतरा है। बहुत अच्छी जगह है, बहुत अच्छा है, लेकिन सारी व्यवस्थाएं रहने की, खाने की, अंदर की ऑटोमेटिकली पुराना किचन बने हुए हैं हमारे। अभी देवी देवता मैं आपको दिखाता हूँ, यही है अभी हमारे यहाँ की पड़ता है, जब तक पूरा घास ये पूरा ध्वस्त होगा तभी उठा सकते हैं देवी देवता, ऐसे नहीं ले जा सकते। कब तक रहते थे आप इस मकान में? हम 2022 तक इसी पे थे, अभी भी रहने लायक तो नहीं है, लेकिन गर्मियों में थोड़ा रहना पड़ता है ना, क्योंकि इतना पुराना मकान है, इसे एकदम छोड़ भी नहीं सकता, हमारी काफी यादें जुड़ी हुई इससे, तो एकदम छोड़ भी नहीं सकता इसे। Kaniye, kaniye, kaniye.
नंदा देवी की विदाई डोंगरी गांव से हो चुकी थी, जिस समय तेज बारिश हो रही थी और अभी हल्का सा बूंदाबांदी रुक चुकी है और माता की डोली पहुंच चुकी है केरी गांव में। यहां से जो अगला पड़ाव होगा वो मैन गांव और फिर रात को सोना गांव के लिए नाइट स्टे होगा माता का। अभी सभी ध्यानिया केरी गांव के माता के दर्शन कर रहे हैं और माता के सामने अर्घ चढ़ा रहे हैं। तो बारिश का और मौसम का कैसा साथ रहता है, बने रहिए। जय माना। Okay.
मिलने भगवती ना के गिना तुली भगवती सिरग छतरा भगवती सिरग छतरा भगवती भगवती ते खुणी चढ़ोला भगवती ते खुणी चढ़ोला भगवती रिंगन छतरा भगवती रिंगन छतरा भगवती बदन की नंदा भगवती तेरे जाता जायोला भगवती तेरे जाता जायोला भगवती शादी हुई 1998 में 94 में दी बच्चा से मैं एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर यो का भी पौने चे नौकरी नहीं ले अरे गोच हमारे क्या रहा हमी घर में रोनो यो भैंस धोरियो यार पति देव वहाँ ऋषिकेश में रहना नौकरी का ना नाती ना सब नौनी नौनी कमी लगी हमें कमी तो लगी एक नानी की बेटी वो भी नीचे नौनी देवी का जो अगला पड़ाव वाला गांव है वो मेन गांव है जहाँ की आज का दिन का लंच होगा। तो यहाँ पर जो खेती बाड़ी है वो काफ़ी अच्छी है, तो चलो दिखाते हैं गांव का व्यू और यहाँ की खेती बाड़ी। का मतलब ये होता है कि यो ये क्षेत्र को पहले को यो असाई है यो यात्रा जो चो कि देवी को पार्वती रूप जो चो शिव के नाश का वास्ता विदाई को चो और ये मु देवी का मान सम्मान मु विदाई का वास्ता सब लोग अपना जो खेती से पैदा होना खाजा कलियो ककड़ी मुंगड़ी जैसे जनकी हमारे लोग भी तो झाले की काखड़ी दिवला बाड़े की मरी दिवला जमोली का खाजा दिवला और लोछटी का तीला दिवला और वह तर शिव जी बोना कि गौराज तेरो मैं तो कन मैं तो चाह कि बार बार तो बोनी कि मैं तो जानू। तो गौरा को मतलब देवी से च और यखमो जितना भी पड़ाव यो हमारा पांचवा पड़ाव थे जे पर आज आप लोग चला तो ये पड़ाव निश्चित चाहे देवी कख ही चल जाओ हम वो बोते हैं आज का दिन अमावस्या का दिन ये पड़ाव यख बैठी रात्रि विश्रामणी सोना चाहिए सोना के लिए जाना यख बैठी देवी जो तो काली का अवतार लेन और दक्षिण काली का आह्वान करनी और दक्षिण काली का आह्वान का निर्णय आगने देवतियों का बद होन जगह जगह पर आप जब आगने जाना तो कखी कोई दैत मारे कोई दैत्यों का संगान कर और सप्तमी का दिन जो चो वैदनी कुंड पर जात बन और वे बाद देवी फिर वापस अपना ननिहाल जो देवराड़ा चा 6 महीने का वास्ता वो निवास स्थान पर
पूर्णमासी का दिन आज।